इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस पर एक और चौंकाने वाला खुलासा है जिससे टेंशन बढ़ सकती है। कोरोना वायरस एक ऐसी मुसीबत है जो अकेले नहीं आई है, भारत में 6 और वेरिएंट्स लेकर आई है। इससे बचने का एक तरीका आपने समझ लिया, लेकिन बड़ा डर यह है कि इसने वेश बदल लिया है। दावा यह भी है कि नया वायरस पहले से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब इसकी पूरी सच्चाई क्या है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। अखबार की यह हेडलाइन बेहद डराने वाली है। दावा किया जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम है एपी स्ट्रेन। एपी यानी ये है वेरिएंट आंध्र प्रदेश। कोरोना का यह सबसे घातक वेरिएंट आंध्र प्रदेश के कुरनूल में खोजा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इस वायरस को N440K वेरिएंट बुलाया जा रहा है। दावा यह है कि एपी स्ट्रेन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में काफी तेजी से फैल रहा है। पिछले 2 महीने में इन राज्यों के कुल 50% सैंपल में N440K वेरिएंट पाया गया। कहा जा रहा है कि एपी वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से 3 से 4 दिन में ही लोग बीमार हो जा रहे हैं। एपी वेरिएंट पर दावे की लाइन बाय लाइन जांच के लिए हमने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर एडवाइजर राकेश मिश्रा से बात की। एपी वेरिएंट की खोज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने की है। राकेश मिश्रा की बातों को सुनिए, एपी वेरिएंट की पूरी डिटेल समझिए। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये 15 गुना ज्यादा फैलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टडी क्या है। तो स्टडी अगर अब जो की गई है, वो पहली चीज तो जुलाई में सैंपल कलेक्ट किए गए थे, तो वो तब की बात है, आज का डेटा नहीं है इसमें। और उस समय इस वायरस के वेरिएंट को अगर आप सेल कल्चर में ग्रो करते हो तो वो उसका टाइटर ज्यादा आता, मतलब कि वायरस का रिप्रोडक्शन ज्यादा होता है सेल कल्चर में। सेल कल्चर अलग चीज है, आदमी का शरीर अलग चीज है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, वहां पे कोई इम्यून सिस्टम नहीं है, तो वायरस वहां पे ग्रो करता है। तो सेल कल्चर में प्रोडक्टिविटी को इन्फेक्टिविटी से कनेक्ट करना ठीक नहीं होता है। साउथ इंडिया में ज्यादा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स में, और पिछले 2 महीनों से वहां पे ये कम होना चालू हो गया है। और आज की तारीख में ये वेरिएंट बहुत कम है, कर्नाटका में खत्म हो चुका है और जगहों पे करीब कुछ हफ्तों में ये गायब हो जाएगा। अलग अलग चीजों को जोड़ के थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। संक्षिप्त में इतना है कि K440 अब किसी रेलिवेंस का नहीं रहा है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कर्नाटका में करीब करीब चला गया है और स्टेट्स में आने वाले दिनों में इसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। राकेश मिश्रा की बातों से साफ है कि कोरोना वैक्सीन पर एपी वेरिएंट का असर नहीं होता है। बड़ी बात यह है कि अगर आप कोरोना एसओपी का सही तरीके से पालन करते हैं तो कोरोना के इस नए वेरिएंट से बच सकते हैं। इसलिए जरूरी है आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी वेरिएंट आज तक ना हुआ है ना होगा जो आपके मास्क को तोड़ के अंदर जा सकता है। तो हमारे बचने का तरीका वही है, अगर हम उसको अच्छी तरह से फॉलो कर लें तो सबसे बड़ी हमारे लिए बात यही होगी कि हम सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करें। और वैसे तो असली वैक्सीन भी आ रही है, लग रही है, उससे भी हमको राहत मिलेगी, लेकिन इन वेरिएंट से उतनी डरने की जरूरत नहीं। आज एक भी वेरिएंट ऐसा नहीं आया अभी तक जो वैक्सीन के खिलाफ कारगर ना हो, ऐसा नहीं हुआ, तो एक अच्छी राहत वाली बात है। लेकिन अगर हम वेरिएंट को इसी तरह से अलाउ करते रहे और वो फैलता रहा इतनी ज्यादा मात्रा में, तो नए वेरिएंट ऐसे बन सकते हैं जो कि हमको और परेशान कर सकते हैं। एपी वेरिएंट के उलट भारत में कोरोना का यूके वेरिएंट ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। राकेश मिश्रा ने हमसे बात करते हुए माना कि भारत में अगर कोरोना का कोई वायरस ज्यादा घातक है तो वो यूके वेरिएंट ही है। यूके वेरिएंट ने नॉर्थ इंडिया में ज्यादा तबाही मचाई है। इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान शामिल है, जबकि डबल म्यूटेंट वायरस दक्षिण भारत में घातक साबित हो रहा है। डबल म्यूटेंट वायरस की वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़े हैं। दिल्ली में तो खैर डबल म्यूटेंट भी अभी है थोड़ा, लेकिन और जगहों पे जहां पे भी यूके वेरिएंट आया उसने रिप्लेस कर दिया। महाराष्ट्र में जो हमारा 617 है उसने रिप्लेस कर दिया पुराने वेरिएंट्स को।
तो वो सिर्फ इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। हमारे लिए एक्चुअली ज्यादा परेशानी की वजह ये यूके वेरिएंट और जो हमारा 617 जिसको हम कुछ लोग डबल म्यूटेंट बोलते हैं, वो भी एक मिसनॉमर है। सारे वेरिएंट में बहुत काफी 10-15 म्यूटेशन होते हैं, तो ये दोनों ही जो ज्यादा मौजूद हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरांचल और मेरे ख्याल से यूपी में भी, क्योंकि वहाँ डेटा कम है, और मध्य प्रदेश में, इन जगहों पे यूके वेरिएंट ज्यादा है, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, बंगाल में ये 617 वाला वेरिएंट ज्यादा है और अपना ज्यादा फैलाव करता जा रहा है। तो ये जो दो वेरिएंट है धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं और पुराने वेरिएंट को रिप्लेस कर रहे हैं। कर्नाटक के कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने एक डराने वाला दावा किया है। दावा यह है कि अक्टूबर में कोरोना का थर्ड वेव आएगा जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। इस डराने वाली खबर पर भी हमने राकेश मिश्रा से बात की और सच जाना। सेकेंड वेव के सारे प्रिडिक्शन गलत हो गए जो भी कहे थे पहले, क्योंकि जो वेव्स होती है इनकी जो प्रिडिक्शन होता है ये डिपेंड करता है कई चीजों, एक तो ह्यूमन बिहेवियर पे, दूसरे नए वेरिएंट्स पे। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या वेरिएंट आएगा, इसीलिए कुछ ना आए हमको वो करना है, इन्फेक्शन को रोकना है। अगर आप थर्ड वेव के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो आप एक मजाक जैसा कर रहे हैं। उसके लिए अभी कोई हमारे पास डेटा नहीं है कि हम थर्ड वेव के बारे में ज्यादा बात कर सकें। अगर हमने इस सेकेंड वेव को पार किया, वैक्सीन उस समय हमारे पास और ज्यादा लोगों में लगी और तब तक कोई ऐसा वेरिएंट खतरनाक नहीं निकल आया बदकिस्मती से, तो थर्ड वेव बहुत मिनिमम हो सकती है, बहुत मिनिस्क्यूल हो सकती है, फोर्थ वेव भी बहुत कम हो सकती है। तो ऐसी हमको उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे रीजनेबल सेट डेटा है कि हम थर्ड वेव प्रिडिक्ट करें आज के दिन में। यूके वेरिएंट हो या फिर कोरोना का थर्ड वेव, कोरोना वायरस जिस तेजी से स्प्रेड हो रहा है इसके लिए जरूरी है कि हर इंसान अपने आप को बचाए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करे। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही दिखाई गई या कोताही बरती गई तो आपको कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन जकड़ लेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।